नमस्कार। तो आज आप हम REC लिमिटेड स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। REC लिमिटेड की बात की जाए तो स्टॉक में 1.5% की गिरावट देखने को मिले। सेलिंग प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है REC लिमिटेड के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो ब्लू कलर का लाइन है जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है उसको यहाँ पे सपोर्ट लेता था स्टॉक, और उससे के नीचे 500 लेवल भी थी, वो भी एक सपोर्टिव जोन है, वहाँ से स्टॉक ने पुल बैक कर रहा था। पर अभी देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से फिर से गिरावट स्टार्ट हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि वॉल्यूम जो आ रहे हैं वो काफ़ी कम क्वांटिटी के साथ वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम वीक होती हुई दिखाई दे रहे हैं। अगर न्यूज़ भी देखोगे तो रिसेंटली कोई इम्पैक्टफुल न्यूज़ नहीं है, पर यहाँ पे देखोगे तो एक्स डिविडेंड डेट जो है वो 8 नवंबर है, जहाँ पे 4 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे कोई खास इम्पैक्टफुल न्यूज़ या अपडेट नज़र नहीं आ रही रिगार्डिंग REC लिमिटेड स्टॉक। यही था लेटेस्ट अपडेट REC लिमिटेड स्टॉक के लिए।